हैं, वरुण सिन्हा का भी मैं रुख कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ईडी दफ्तर का रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरह से राजीव ने जिक्र किया कि ईडी सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है कि उनके जवाब पर विचार किया जा रहा है, कानूनन सलाह ली जा रही है। प्रशांत देव, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी? देखिए, ईडी की तरफ से तो कोई जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से है, और जो आशंका जताई गई थी और जिस तरह का एक तरीके से रूमर कहिए या आशंका कहिए, जिसके वजह से सब कुछ इतना हुआ, लगा कि आज गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, एक वन साइडेड स्टोरी आप इस तरह से कह सकती हैं कि जो आशंका जताई गई, वो आशंका के बाद पुलिस भी आ गई, जर्नलिस्ट भी आ गए, मीडिया भी सारी आ गई इस तरह की बात। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये जो जानकारी एक मिल रही है कि एक और समन जाएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री को 7 समन जा चुके हैं, इनको भी समन जाएगा, ये एक प्रोसीजर है, एक जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, समन जाएगा। और जहां तक बात गिरफ्तारी की, देखिए मैं ये बता सकता हूं आपको कि अभी कभी भी अगर अगर खत्म हो रही है, वक्त कम बचा है ईडी के पास भी, देखिए ईडी के पास कोई समय सीमा की ऐसी पाबंदी नहीं है, अगर अगर कोई भी आरोपी सहयोग नहीं करता है और वो तो अगर ईडी गिरफ्तार करना चाहेगी तो किसी भी समय किसी भी तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं है। देखिए ये मामला पॉलिटिकल है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है दिल्ली के, और गिरफ्तार करना कि सिर्फ इसलिए कि आप आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और किसी, मान लीजिए जो आरोप है कि किसी के कहने पर सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, ऐसे काम मतलब एजेंसियों में नहीं होता, क्योंकि एजेंसी को यह साबित करना पड़ेगा कि हमने गिरफ्तार क्यों किया, वो कागज पूरे करने पड़ेंगे, वो चार्जशीट करना पड़ेगा, वो एविडेंस डालने पड़ेगा। अगर ऐसा एविडेंस नहीं होगा तो किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होंगे, क्यों? हाँ, लेकिन अभी जो कानून के जानकार कहते हैं कि जो 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 जरूरी चीजें चाहिए होती हैं गिरफ्तार करने के लिए वो हैं, क्योंकि जिस जिस आरोपी से इनकी फेस टाइम वीडियो में बात हुई है उतना बहुत है, लेकिन क्या वो कितना सस्टेन करेगा, अदालत में लंबी लड़ाई होगी उसमें कितना सस्टेन करेगा, ये तमाम चीजें देखनी होती हैं, तो ये जरूर है। लेकिन अभी तक कोई चौथा समन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जारी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, लेकिन इस तरीके से कि पहले से वहां पुलिस को लगा करके पहले से मीडिया को बात मालूम चल जाए और उनको जाके गिरफ्तार कर लिया जाए, ये पूरी तरीके से मामला पॉलिटिकल होगा, और कोई भी एजेंसी चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब चीजों से बचती है, क्योंकि ये कल को ये बात कोर्ट में स्टैब्लिश हो जाएगी कि मीडिया को बता के हमको गिरफ्तार किया गया और ये पॉलिटिकल एजेंडा था। तो जो प्रोफेशनल एजेंसियां हैं वो इस तरीके से काम नहीं करती है, तो ये स्टोरी कहां से आई, कैसे आई, सब हैरान हो गए कि कैसे गिरफ्तार करने की बात तो पहले से हुई और वहां पे भी नहीं तो, और छापेमारी शुरू हो जाती है। ठीक है प्रशांत, तो ठीक है मैं बस सुना करूं कर नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है जी। तो उस बोले प्रशांत देव, जल्दी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि ये अगर अगर कोई कार्रवाई जो भी करनी है तो वो एज पर रूल होना है, लेकिन जो कानून के जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से पूरी ट्रेल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखिए प्रवर्तन निदेशालय एक ऐसी एजेंसी है जो हवाला कानून के तहत जांच पड़ताल करती है, इसमें क्या है, पहले सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, पहले एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उसके सबसे आखिरी में होती है गिरफ्तारी की बात। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि जो एलिगेशन बार बार लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा और जानबूझ के कर रहे हैं, ये अगर इसको मान भी लीजिए तो इस बात का डेंट अगर तो लग ही चुका है, एजेंसी पे भी लग चुका है, दूसरी पार्टी पे भी लग चुका है, बावजूद इसके बुला रहे हैं और इसके बावजूद बार बार समन दिए जा रहे हैं, बार बार बुलाया जा रहा है, यहाँ पर गरमाया हुआ दिख रहा है, ज्वाइन करने के लिए बात कही जा रही है। वरुण सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूं। इसको वरुण, यहाँ पर माहौल तो पूरा बना दिया गया कि आज ईडी पहुंच सकती है, देर रात ट्वीट जो है एक्सपोस्ट सोशल मीडिया पर जानकारी दे दी गई आप नेताओं की तरफ से, अब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब आगे रणनीति क्या दिख रही है, क्योंकि एक तरफ तो एक अभियान की शुरुआत आज होने वाली है, दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल गुजरात दौरे पर जा रहे अगले 3 दिन के लिए, 6 से 8 तारीख तक। देखिए पूजा, राजनीति में और सियासत में टाइमिंग का बहुत बढ़िया खेल है, अगर आपका सही दाव लगता है तो आप निश्चित तौर पर जीतते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कल से इस बात को समझ रही थी कि आखिर ईडी वाले मुद्दे पर कैसे आपको आगे बढ़कर
अपनी हिस्सेदारी तय करनी है, जनता को समझाना है, मैंने पहले भी कहा, और सही दावों के साथ ये समझाना है कि जो कुछ भी चल रहा है वो पॉलिटिकल मोटिव के तहत हो रहा है। कल रात में जब ये खबर निकल के आई कि ईडी जो है वो सुबह छापेमारी करेगी, रेड करेगी, इसके बाद जो है गिरफ्तारी करेगी, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि शायद गिरफ्तारी की बात जो लगातार आम आदमी पार्टी करती नज़र आ रही है वो एक दाव उसका जो उसने फेंका, उसने जो पासा फेंका वो कहीं ना कहीं हिट इसलिए होता नज़र आया क्योंकि सुबह से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा, तमाम मीडिया कवरेज और तमाम जो स्थिति बनती नज़र आ रही है ये सोचने और समझने पर मजबूर कर रही है कि आम आदमी पार्टी जानती थी कि आखिर किस तरीके से ईडी के मुद्दे को भुनाना है। दूसरी बात, अब सियासत जो है वो दूसरी तरफ भी जाएगी, गुजरात के की तरफ मुख्यमंत्री मूव करेंगे, 3 दिन का दौरा रहेगा, 6, 7, 8, और वहाँ जाके भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं क्या करूँ, कि अगर आम आदमी पार्टी की जो परिस्थितियाँ हैं उसके पीछे राजनीतिक द्वेष भावना है, और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब जनता की भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि अब इस मुद्दे को लेकर देश भर के तमाम हिस्सों में आम आदमी पार्टी के नेता भी जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम ऐसे स्टेट रहेंगे जहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और जिस प्रकार की खबरें निकाली जाती हैं उससे तो स्पष्ट तौर पर समझाने का आम आदमी पार्टी प्रयास भी कर रही है। सवाल प्रशांत देव जी जिस तरीके से कहते हैं, राजीव जी भी जिस तरीके से कह रहे थे कि ईडी का अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद जो है वो निश्चित तौर पर जो चीज़ें सामने निकाल के आएंगी वो अलग होगा, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा या फिर राजनीतिक स्थिति को समझाते हुए चीज़ों को अलग तरीके से डिफाइन करने के जो हालात बन जाते हैं वो समझाते हैं कि शायद राजनीतिक दल जानते हैं कि आखिर किस मुद्दे को किस तरीके से भुनाना है और किस तरीके से अपने आप को आगे रखते हुए दूसरों को और जनता को ये समझाना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हालात हमारे हाथ में नहीं है, राजनीतिक द्वेष या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक मोटिव। बिल्कुल, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश, सत्ता पक्ष कह रहा है भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होगी और विपक्ष ये बात बार बार यहां दोहराने की और यही एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि एक बात फिर से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किस तरह से एक राजनीतिक हथियार के रूप में किस तरह से सत्ता पक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है वो यही सेट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं।